दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल को पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग एक व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे दो अलग अलग फ़ोन में या फिर तीन अलग अलग फ़ोन में या फिर चार पाँच छः यहाँ तक के 100 अलग अलग फ़ोन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना वेस्टिंग टाइम किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं दो अलग अलग फ़ोन ले लिया हूँ। इस वाले फ़ोन में मैं व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने व्हाट्सअप को ओपन करके आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सारे चैट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वाले फ़ोन को मैं साइड में अभी रख दूँगा, ठीक है। व्हाट्सअप चूँकि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें, ये रहा मेरा फ्रेंड, काफ़ी हेल्प करता है मेरी। चलिए मैं दूसरी फ़ोन ले लेता हूँ, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई भी व्हाट्सअप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं सीधे प्ले स्टोर पर आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ सर्च बार में हम लोग सर्च करेंगे व्हाट्सकैन, ठीक है। ये ऐप्स आपको सर्च करने पर इजिली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर QR स्कैन प्रो वाले पर हम लोग को क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। दोस्तों मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दे रहा हूँ कि इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेता हूँ मैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा बढ़िया ये ऐप्स है और इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी है और लगभग काफ़ी डाउनलोड्स भी इसके हो चुके हैं। लगभग 1 लाख डाउनलोड्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं आप 1 लाख प्लस डाउनलोड इसके मिल जाते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर एक पेज खुल कर आएगा आपके सामने। ये थोड़ा नेट स्लो रहने की वजह से टाइम भी ले रहा है। चलिए ये पेज खुल के आ गया दोस्तों मेरे पास। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो परमिशन मांगेगा उसको हम अलाउ कर देंगे और ऊपर में आपको लिखा हुआ मिल जाता है व्हाट्सकैन, उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली एक बार कोड देखने को मिल जाता है। दोस्तों उस बार कोड को हम लोग स्कैन कर लेंगे। तो स्कैन करने के लिए आपको जिस फ़ोन में आप व्हाट्सअप चलाते हैं उसके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और व्हाट्सअप वेब पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्कैनर मिल जाता है। पहले मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था दूसरे चीज़ से। तो यहाँ मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट QR कोड को। ये मैं स्कैन कर लिया दोस्तों और यहाँ ये ऑटोमेटिक अब सीधे कनेक्ट हो गया मेरे फ़ोन से। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस वाले फ़ोन से, जितने भी चैट्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने फ्रेंड को मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ, हाय करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं हाय ब्रो लिख देता हूँ और यहाँ से सेंड कर देता हूँ। दोस्तों सेंड करेंगे तो देखेंगे दूसरे वाले फ़ोन में भी दिखाता है कि मैंने अपने दोस्त को यहाँ से मैसेज किया है, जबकि मैं दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए है कि हमारे फ़ोन से दूसरा फ़ोन कनेक्ट है वो सारा यहाँ शो करता है। देखिए मैं लिख देता हूँ क्या हो रहा है, कोई इमोजी भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। दोस्तों सेंड करने के बाद देख सकते हैं दूसरे वाले फ़ोन में भी आपको दिख जा रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इस वाले चैट को मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा। देखता हूं डिलीट करके इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये चैट डिलीट का ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है और उसके बाद फिर हम लोग यहां पर डिलीट चैट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस पर काफ़ी व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर मुझे गेन हो, तब जाकर मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ दूसरे चैट पर और यहाँ पर भी मैंने हाय कर दिया है अपने फ्रेंड्स को। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके भेज सकते हैं किसी मीडिया, लेकिन मीडिया दोस्तों जो हम लोग भेजेंगे वो दूसरे फ़ोन में जो अवेलेबल होगा उसी को हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कैमरा भी ऑन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इमोजी को भेज दिया है अपने दोस्त को और यहाँ पर भी वो इमोजी देखने को मिल गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
और दोस्तों मैंने व्हाट्सअप 10 प्लस सीक्रेट्स बता रखे हैं, व्हाट्सअप के 10 से ज़्यादा सीक्रेट्स, तो उस वाले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया वीडियो है वो। चूँकि दोस्तों यहाँ पे मैं इनको मैसेज कर देता हूँ, प्लीज़ कमेंट योर फीडबैक। तो दोस्तों मैं आप लोग से भी कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो में जो भी कमी है, क्या अच्छी लगी आपको, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने वीडियोस क्वालिटी में। वॉइस कैसी है ये भी मुझे बता दीजिएगा आप लोग। यहाँ से दोस्तों मैं अपना वीडियो का थंबनेल ही को यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये सेंड करता हूँ या सेंड हो गया। ये देखिए दूसरे फ़ोन में वो दिख गया, लेकिन आपको उस वाले थंबनेल को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। सिंपली क्लिक किया करूँगा, डाउनलोड हो गया। ये देख सकते हैं क्वालिटी भी वही है जो इस वाले फ़ोन में थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, और किसी भी ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पर आप इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि मेरा भी कुछ भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको अब नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।